बाबू झूठे गिलास उठाओ वहाँ से उठा ही रही थी मैं ना कहता उठा लो क्योंकि मंदिर ही है बेटा ये भी मैं गई थी रखने तो बाहर में क्यों डस्टबिन है बाहर मंदिर ही है ये भी भाई गंद मंद मचाना तेल लाइए कहाँ से ये गुड़गांव से आई है और किस भगत के पास जाती है बेटा जो माई होती है वो सत्य है और किसके पास ये कौन है मेरी बहू अच्छा एक नंद की ना नंद की बहू नंद की बहू पीछे तो जिसका नंबर है बात मत टाल जो माँ बता रही है मुझे उसका जवाब दे किसके पास जाते हो अगर जो तेरे साथ आई है उसके पर्दे कर लिए तो फिर उसको साथ में लाना नहीं था तुझे ठीक है क्योंकि माँ ये कह रही है कि जब भक्तों के पास इलाज चल रहे हैं तो फिर ये आने की जरूरत क्या है एक जगह विश्वास क्यों नहीं बनाते किसका इलाज चला था बेटा मुझे बता दो तो ही मैं कोई लड़ थोड़ी रही हूँ सारे दरबार माई के माता की जोत जलाती है आदमी के चक्कर में या किसी भी चीज के चक्कर में कहीं गई नहीं कभी यहाँ झूठ ही नहीं चलता मेरे बाबू तेल कहाँ रखा था घर में कहाँ रखा था मंदिर से लेके गई थी फ्रिज कहाँ है फ्रिज अच्छा अब बाबू ये बता दे मुझे कि इलाज तो माँ भगवती कहिए तेरे घर में कहीं औंगा चल रहा है कहीं पूछा था पूछा था ना फिर बेटा जी क्यों डर रही है मेरे मैं कोई दुश्मन थोड़ी हो जाऊंगी तेरी या तू ये सोच रही है कि एक भगत के आगे दूसरे का बोल दो तो वो चिढ़ जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चिढ़ते वो है जो धंधा करते हैं मैं यहाँ सेवा करती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब सुन ले माँ ये कह रही है कि मुसलमान के पास स्मेल क्यों आ रही है तेरे घर में अजीब सी आती है ना घर में अजीब सी स्मेल घर के आगे चीजें भी पड़ी हुई मिलती है कभी कुछ कभी कुछ कोई रख के जाता गेट के है ना घर के आगे कोई कुत्ता बिल्ली भी मरा था उनके चीते बीते पड़े हुए थे बहुत पहले है ना अच्छा दिवाली के आसपास ही कुछ ना कुछ होता है ना कविता जी चीज भेजी हुई है प्रॉपर इनका नाम लेकर के जो चीज जैसे आई है वैसे ही बेची जाएगी तब तक इनको दरबार में 3 हाजी लगवाओ माई की जोत चलवाओ और अंग्यारी 1.25 मीटर काले कपड़े पे थोड़ा सा आटा 2 सिगरेट नीम की डाली सिगरेट थी नीम की डाली थी 2 नींबू क्या चीज है क्या चीज है अगर तू ये सोच रही है कि तू काली बन जाएगी तो बहुत देर से यही सोच रही है कि इसने पहचाना नहीं तो मैं बेफालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करती संगत बहुत बैठी है दरबार में ठीक है और काली कभी भी आकर के जीभ निकालने से काली नहीं बन जाते समझी जीभ निकालने से कभी काली नहीं बन जाते और दूसरी बात ये आज तक कहीं पकड़ में नहीं आई तेरी